आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बदली है, जिस प्रकार से कम्युनिकेशन वर्ल्ड में जबरदस्त रिवॉल्यूशन आया है, अब जैसे सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अब हमारे लिए आत्मनिर्भर बने बिना कोई चारा ही नहीं है। मेक इन इंडिया के लिए मैं मानता हूं एक नया क्षेत्र, नई संभावनाएं लेकर के आया है। हमें ये दूर का देखना चाहिए, साथ साथ हमारी जरूरत भी है। देश की सुरक्षा के लिहाज से सोचे तो इस पर हमारा ध्यान होना और ज्यादा जरूरी है। हम देख रहे हैं कि कैसे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में लोगों का आकर्षण भी बन रहा है, एनवायरमेंट के दृष्टि से भी बन रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। क्या भारत उसमें इनोवेशन नहीं कर सकता, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है? क्या भारत के मैन्युफैक्चरर्स इसमें अपना लीड रोल नहीं कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि मेक इन इंडिया की भावना के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ विशेष प्रकार की स्टील के लिए भी भारत आयात पर निर्भर है। हमारा आयन और विदेश जाए और हम उन्हीं देशों से एक क्वालिटी स्टील के लिए हम फिर से इंपोर्ट करें, अब ऐसी तो कैसी स्थिति है कि भाई हम उस आयन ओर से उस स्टील को न बनाएं जो हमारे देश की जरूरत है। मैं समझता हूं कि ये हमारा कर्तव्य भी बनता है और मैं उद्योग जगत के लोगों से आग्रह करूंगा कि आइए, ये कच्चा माल आयन ओर बाहर भेज भेज करके हम क्या देश को देंगे। साथियों, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को ये देखना चाहिए कि देश की निर्भरता बाहर पर कम से कम हो, कम से कम हो।